मजीद हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जो बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 9 से, इसका नाम है पीएच एंड पीओएच। इसके न्यूमेरिकल्स ओकेजनली पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट तो नहीं है, मगर 2-3 साल बाद पेपर में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड मसले भी हमें कुछ रिवाइज करने की जरूरत है, तो हम यहां पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को उसका फॉर्मूला, उसकी थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं। पीएच इज डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। इसको रीड करना सीख लेंगे फॉर्मूला को तो डेफिनेशन खुद ही याद हो जाएगी, डेफिनेशन याद कर लेंगे तो फॉर्मूला लिखना खुद आ जाएगा। कैसे इसको रीड करते हैं, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ये जो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, लार्ज ब्रैकेट लगे हुए हैं, लार्ज ब्रैकेट को हम रीड करते हैं कंसंट्रेशन। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लार्ज ब्रैकेट को हम कंसंट्रेशन रीड करते हैं। तो दोबारा से देखिएगा हम इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको फॉर्मूला रीड करना आ जाए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूला को ही ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। सिमिलरली पीओएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन और फॉर्मूला हमें यकीनन याद होना चाहिए ताकि हम इनके प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। मजीद इससे रिलेटेड एक रिलेशन होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और वेरीफाइड रिलेशनशिप है, वो क्या रिलेशनशिप है, द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू 14। पीएच स्केल जो है 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें लेस देन 7 पीएच पर अगर कोई चीज आ रही है तो वो यकीनन एसिडिक होती है, मोर देन 7 पे जा रही है तो वो बेसिक होती है। लेकिन इसका जो मैथमेटिकली प्रूव्ड रिलेशनशिप है वो क्या है, द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज इक्वल टू 14। अब ये बातें, बुनियादी बातें अगर हमारे दिमाग में क्लियर होंगी तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें आपको कहा जा रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 एम नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। यहां सवाल में आपको दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, जरूरी नहीं है कि नाइट्रिक एसिड मेंशन हो सकता है वो सवाल में कह दें यही सवाल हो, मगर अल्फाज का थोड़ा सा वो हेर फेर करें। सवाल में क्या तब्दीली हो सकती है, यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन हुज एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 0.01 एम, यानी एसिड मेंशन ना किया जाए कंसंट्रेशन बता दी जाए। तो हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस और स्पीशीज विच गिव एच पॉजिटिव आयन इन द रिक्वेस्ट सॉल्यूशन। तो नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है, नाइट्रिक एसिड को अगर आप आयनाइज करेंगे पानी में इट डिसोसिएट इनटू एच पॉजिटिव आयंस अलोंग विद नाइट्रेट आयंस। अगर आप इसके मोल रेशो को चेक करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का अगर एक यूनिट स्प्लिट होगा तो इसके टूटने से एक ही यूनिट किसका मिलेगा एच प्लस का और एक ही यूनिट किसका मिलेगा नाइट्रेट का, यानी इन दोनों का जो मोल रेशो नजर आ रहा है वो 1:1 नजर आ रहा है। यानी कंसंट्रेशन अगर नाइट्रिक एसिड की आपको दी हुई है HNO3 की तो उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी होगी एच पॉजिटिव आयन की। सवाल में कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01 एम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, तो नाइट्रिक एसिड की अगर कंसंट्रेशन 0.01 एम है तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 0.01 एम होगी। अब सवाल से मुताबिक प्रॉपरली हम इसका डेटा बनाते हैं। सवाल में कह रहे हैं कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच, हमें पीएच कैलकुलेट करनी है और पीओएच कैलकुलेट करनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की। तो जो कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की है बिल्कुल उतनी ही कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन की होगी जो हमें दी हुई है 0.01 एम। अब ये जो कंसंट्रेशन आपको दी हुई है इसे आप एक्सपोनेंशियल फिगर में कैलकुलेट कन्वर्ट कर लें, इट इज 1 exponent minus 2 m। कोई भी चीज अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे कोई चेंज नहीं आता, तो हम इसे सिर्फ एक्सपोनेंट माइनस 2 m भी लिख सकते हैं। डेटा को मुकम्मल करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन के लिए हम 1 by 1 दोनों पे काम करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं द पीएच, पीएच मालूम करने के लिए इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। कंसंट्रेशन की वैल्यू उन्होंने हमें यहां दी हुई है माइनस लॉग, कंसंट्रेशन हमें दी हुई है एक्सपोनेंट माइनस 2 m। अब जब यहां पर प्रॉब्लम आते हैं लॉगरिथम तो सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको तो आपने सिर्फ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी बात आपको एक बात बता दूं मैं
कि लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है कि अगर लिखा हुआ हो लॉग ए रेस टू द पावर बी, तो जो भी पावर होती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम उस पावर को लॉग से पहले लिखा जाएगा. इट कैन बी रिटन एज बी लॉग ए. क्या लिखा जाएगा? बी लॉग ए. अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका हवाला आप यहां देख सकते हैं, लॉग ए रेस टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए. यहां हमें नजर आ रहा है लॉगरिथम के साथ एक्सपोनेंट माइनस टू नजर आ रहा है, तो यहां पावर कितनी नजर आ रही है? माइनस टू. तो ये जो पावर होगी वो लॉग से पहले लिखी जाएगी, लॉग टेन. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये टू लिखा हुआ है एज इट इज लिखा रहेगा. लॉग टेन, लॉग टेन शुड बी इक्वल टू वन. दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है. ये हमें याद रखनी होगी. लॉग टेन शुड बी इक्वल टू वन. तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये टू एज इट इज लिखा रहेगा. लॉग टेन किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा. तो लॉग टेन की वैल्यू वन आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. पीएच इज इक्वल टू टू वन दैट टू. ये पीएच आ गई. पीएच के साथ साथ रहना होगा कैलकुलेट द पीओएच ऑल्सो. अब ये पीओएच कैसे कैलकुलेट होगी? इसके लिए आपको ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करना होगा. अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच मस्ट बी इक्वल टू 14. पीएच की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आ रही है? टू. हमें पीओएच कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 14. ये प्लस टू वहां जाके क्या होगा? माइनस टू. 14 माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12. इस तरह से हम बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज किए हुए पीएच और पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं. जज़ाकअल्लाह.